एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने 3 बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया के पति का कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुका था। टूनी चिड़िया बहुत गरीब हो गई थी। वो दिन रात अपने 3 बेटियों के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपनी समझदार बेटी मुनमुन से कहती है। मुनमुन बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे अभी काम नहीं मिल रहा है। बेटा, मैंने बहुत जगह काम ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा है। बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, घर की हालात ठीक हो जाएगी बेटा। माँ, क्यों ना करो चिंता, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। माँ, आप हम लोग के बारे में कितना दिन रात सोचती रहती हैं। आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर है ना हमारे साथ, वो सब ठीक कर देंगे माँ। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, सब ठीक हो जाएगा। खैर, ये सब बात छोड़ो बेटा, मैं फिर से जा रही हूँ काम की तलाश में, शायद मुझे इस बार काम मिल जाए। ठीक है माँ, अब जाओ काम की तलाश में। ठीक है तब मुनमुन बिटिया, तुम अपनी बहनों को अच्छे से ख्याल रखना, अब मैं जाती हूँ बिटिया। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते काम की तलाश में निकल जाती है। टूनी चिड़िया बहुत दूर जा चुकी थी। वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर कहती है टूनी चिड़िया। हे ईश्वर, मैं अपने बच्चों को छोड़कर काम की तलाश में कितनी दूर आ गई हूँ, फिर भी मुझे काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ ईश्वर, आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए ईश्वर, अब मैं क्या करूँ। खैर, ये सब बात छोड़ते हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो अपने बच्चों के लिए करना ही होगा। इतना बोलकर टूनी चिड़िया फिर से काम की तलाश में उड़ने लगती है। जैसे ही और वो थोड़ी देर उड़ती है, उसे एक घर के सामने पहरेदार कालू कौवा नजर आता है। वो तुरंत कालू कौवा के पास जाती है। फिर कहती है टूनी चिड़िया कालू कौवा से। कालू भैया, मुझे काम मिल सकती है यहाँ? मुझे काम की बहुत जरूरत है कालू भैया, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं काम की तलाश में कई दिनों से भटक रही थी, आज मुझे आप मिले इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। मुझे काम दिलवा दीजिए कालू भैया, मालकिन से कहकर। हाँ, क्यों नहीं, मालकिन की जरूरत है, अभी मैं पूछ कर आता हूँ, यहीं पे तुम रुको। इतना बोलकर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। फिर कहता है कालू कौवा बुलबुल कबूतर से। बुलबुल मालकिन जी, काम की तलाश में कोई आया है, आपको जरूरत थी ना, क्या मैं उसे बोल दूँ? अरे हाँ, मुझे जरूरत थी कालू कौवा, उसे अंदर मेरे पास भेज दो। ठीक है मालकिन जी, मैं उसे अभी भेज देता हूँ घर के अंदर। इतना बोलकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। फिर कहता है कालू कौवा टूनी चिड़िया से। जाओ तुम अंदर, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। आपका लाख लाख शुक्र है मेरी मदद करने के लिए। ठीक है, मैं जाती हूँ अंदर। इतना बोलकर टूनी चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। फिर कहती है टूनी चिड़िया कबूतर से। मालकिन जी, मुझे काम दे दीजिए, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मालकिन जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मालकिन जी, मुझे काम दे दीजिए। अरे तू रो क्यों रही है, तुझे मैंने काम दे दिया है, अब चुप भी हो जा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मालकिन जी, मेरा नाम टूनी है। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। और हाँ, मेरी एक दुकान है, तुझे उसमें ही काम करनी है, दुकान में रहकर तुझे सामान बेचनी है। ठीक है मालकिन जी, वैसे आप अपना दुकान मुझे दिखा देती तो बहुत अच्छा होता। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी दिखा देती हूँ मैं अपना दुकान, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर कबूतर टूनी चिड़िया को अपने दुकान में ले जाती है। फिर कहती है कबूतर। ये है मेरा दुकान टूनी, इसी में तुझे काम करनी है। ठीक है मालकिन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय से आ जाऊंगी ड्यूटी। ठीक है मालकिन जी, अब मैं चलती हूँ अपने घर, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं। मालकिन जी, मैं चलती हूँ, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है टूनी, अब मैं भी चलती हूँ अपने घर, तुम अपना ख्याल रखना।
इतना बोलकर दोनों पक्षी अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर कहती है टूनी अपनी बड़ी बेटी मुनमुन से, मुनमुन बेटा मेरी प्रार्थना ईश्वर सुन ली, मुझे काम मिल गया बेटा, कल सुबह मुझे काम पर जाना है बेटा। माँ ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे बहुत खुशी मिली माँ, आपको काम मिल गया। हाँ बेटा ये बहुत अच्छी खबर है, चल अब सो जा, कल जल्दी मुझे उठनी है। ठीक है माँ, अब हम लोग सो जाते हैं सब लोग। इतना बोलकर सारे पक्षी सो जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। फिर कहती है टूनी, मुनमुन बेटा अब मैं जा रही हूँ काम करने, तुम अपनी बहनों का ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ, तुम जाओ काम पर, मैं अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा, अब मैं जा रही हूँ काम पर। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते कबूतर घर पहुँच जाती है। फिर कहती है कबूतर, टूनी तुम आ गई, अब जाओ मेरे दुकान में, वहाँ कोई नहीं है। ठीक है मालकिन जी, मैं जा रही हूँ दुकान पर सामान बेचने। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते दुकान पर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में काम करने के बाद टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते कबूतर के पास आती है। फिर कहती है टूनी, मालकिन जी मैंने काम कर लिया है, अब मैं अपने घर जाऊं, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं मालकिन जी। अच्छा ठीक है, तुम घर चले जाना, तुम ये बताओ तुम रहती हो कहाँ? मालकिन जी मैं जंगल में रहती हूँ, बहुत दूर अपने तीन बेटियों के साथ में। अरे टूनी तुम्हारे बच्चे को तो बहुत धूप लगती होगी जंगल में। हाँ मालकिन जी, हम लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं, हम लोग गरीब हैं ना मालकिन जी, इसलिए हमारी कोई मदद नहीं करता है। तुम परेशान मत हो टूनी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब से तुम अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रहोगी, यहाँ पे तुम लोग सुकून से रह सकते हो, मेरे सिवाय मेरे घर में कोई भी नहीं रहता है। और हाँ यहाँ खाना पीना कुछ भी कमी नहीं होगा तुम लोग को, अब से तुम लोग मेरे घर में रहोगे। जाओ टूनी तुम अपने बच्चे को लेकर आओ यहाँ। मालकिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी मालकिन जी, कभी भी नहीं भूलूंगी। टूनी मेरी तारीफ ही करती रहोगी कि अपने बच्चे को लेकर आओगी, अब मेरी तारीफ करना बंद करो टूनी, अब जाओ तुम अपने बच्चे को लेकर आओ यहाँ, तुम्हारे बच्चे धूप में बहुत परेशान होते होंगे टूनी। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाती है। फिर कहती है टूनी मुनमुन से, मुनमुन बेटा अब हम लोग इस जंगल में नहीं रहेंगे बेटा, मालकिन जी ने हम सबको अपने घर रहने के लिए बोला है, चलो बेटा अभी हम सबको वो बुलाई है बेटा, चलो यहाँ से। क्या माँ ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब हम लोग घर में रहेंगे, अभी जंगल में हम लोग को दुख नहीं झेलना पड़ेगा माँ। हाँ बेटा हम लोग को दुख नहीं झेलना पड़ेगा। खैर ये सब बात छोड़ो बेटा, एक दिन ना एक दिन सबका दिन बदलता है, अब चलो बेटा यहाँ से, मालकिन जी घर पर इंतजार करती होंगी हम लोग का, चलो बेटा। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर उड़ते उड़ते कबूतर घर पहुंच जाती है और हंसी खुशी से सब साथ में रहने लगते हैं। एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया की पड़ोसन बुलबुल कबूतर बहुत अमीर थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, हम गरीबों का जन्मदिन मनाने का नसीब में कहाँ है, शादी की सालगिरह जन्मदिन ऐसी खुशियाँ सिर्फ अमीर लोग ही मनाते हैं, हम सब गरीबों का नसीब में कहाँ लिखा है, सिर्फ गरीबों को दुख ही दुख लिखा है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आज वो बहुत खुश होगी, उसे किसी बात में उलझा के रखना होगा मुझे, हम उसके जन्मदिन नहीं मना सकते हैं। टूनी चिड़िया अपने आप से बात करके वो बहुत उदास हो रही थी। इतने में टूनी चिड़िया की बेटी मुनमुन आ जाती है। फिर कहती है मुनमुन अपनी माँ से, माँ
आज हमारा जन्मदिन है, क्या हम लोग एक छोटा सा पार्टी घर में रख सकते हैं? बहुत अच्छा लगेगा माँ। और तो और माँ, आपने देखा था ना, जब बुलबुल आंटी की बेटी का जन्मदिन था तो वो अपनी बेटी का जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाया था। कितने लोग आए थे बुलबुल आंटी घर, बहुत अच्छे से मनाया था माँ। बुलबुल आंटी, अपनी बेटी का जन्मदिन? बेटा, ये सब खुशियाँ हमारे गरीबों के घर में कहाँ होती है। ये सब तो सिर्फ अमीर लोग ही शादी की सालगिरह जन्मदिन मनाते हैं। और तो और बेटा, हम लोग इतने अमीर कहाँ हैं कि तुम्हारा जन्मदिन मना सकते हैं। मैं नहीं मना सकती बेटा तुम्हारा जन्मदिन, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं बहुत लाचार हूँ, अपनी लाचार माँ को माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकती, मुझे माफ कर दो बेटा। ये बात सुनकर मुनमुन बहुत उदास हो गई। अपनी बेटी को उदास देखकर टूनी ने कहा, बेटा तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है बेटा, आज हम लोग नई जगह जाएंगे सैर करने, तुम मेरे साथ चलो बेटा। अपनी माँ की बात मानकर फिर दोनों पक्षी सैर करने निकल जाते हैं। दोनों उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में निकल जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया को नजर तोते पे पड़ती है, जो तोता पेड़ में फंसकर लटका हुआ था। ये देखकर टूनी चिड़िया तोते के पास तुरंत आती है। अरे ये क्या, आप उल्टा क्यों लटके हैं? मैं उल्टा नहीं लटकी हूँ, मैं तो इस जंगल में सैर करने आई थी। मैंने नहीं देखा था यहाँ पे रस्सी है, बस मैं इसी रस्सी पर बैठ गई। जब मैं रस्सी को सुलझाने लगी तब तेज हवा आया, फिर मैं रस्सी में फंसकर लटक गई नीचे। कोई बात नहीं आंटी, मैं बचा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर मुनमुन चिड़िया टहनी पर उड़कर गई और अपने चोंच से उस रस्सी को काटने लगी। बहुत प्रयास करने के बाद फिर वो रस्सी कट गई। ये देखकर तोता बहुत खुश हुआ। फिर कहता है तोता, टूनी तुम्हारी बेटी बहुत कोमल दिल की है, मैं तकलीफ में थी तो बिना अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वैसे भी आज तो मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, ऐसे धन का कोई काम नहीं जो मेरे जान न बचाए। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, सच में तुम बहुत खुशकिस्मत वाली हो, तुम्हें ऐसी बेटी मिली। सच में तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है टूनी। और तो और, जिसके मन में प्रेम प्रतीत होता है वही असली धन है। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है टूनी। आपने सही कहा मीठू तोता, आज मैं अपनी बेटी पर बहुत गर्व कर रही हूँ। दूसरों के मुँह से मैं अपनी बेटी का तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आज मुझे इसे तोहफा देना चाहिए था, लेकिन ये मुझे दे दी अपने जन्मदिन पर तोहफा, आपको बचा कर। इससे बड़ा और क्या तोहफा होगा मिठू तोता। क्या कहा, आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, चलो चलो जल्दी, आज हम लोग इसका अच्छे से धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते अपने घर आ जाते हैं। तोते ने पूरे जंगल को अच्छे से सजा दिया था, और तो और मुनमुन के लिए बड़ा सा केक भी लाई थी, और जंगल के सब पक्षी भी आए थे। फिर सबने मुनमुन का धूमधाम से अच्छे से जन्मदिन मनाया। फिर जन्मदिन खत्म होने के बाद टूनी ने तोते से कहा, मीठू तोता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने सपने भी नहीं सोचा था मैं अपनी बेटी का जन्मदिन भी मना पाऊंगी कि नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाकर, ये एहसान कभी भी नहीं मैं चुका पाऊंगी मीठू तोता। एक बार की बात है, टूनी चिड़िया आज बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि टूनी बहुत दिनों के बाद एक अंडा दी थी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मेरी मुरादें पूरी हो गई है, मैं माँ बनने वाली हूँ। मोनू जी और माँ ये बात सुनेंगे तो बहुत ज्यादा दोनों खुश होंगे। टूनी चिड़िया बात कर रही थी, तभी टूनी के पति और सास आ जाते हैं। माँ जी, मैंने बहुत दिनों के बाद एक अंडा दिया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। और आप दादी मोनू जी, आप भी पिताजी बनने वाले हैं। सच में माँ जी, मैं बहुत ज्यादा आज खुश हूँ। हाँ ये अच्छी खबर है, लेकिन मेरी बात ध्यान में तुम रखना, इस घर में लड़का ही जन्म लेना चाहिए, क्योंकि मेरे घर का परंपरा सदियों वर्ष से चला आ रहा है। अगर लड़की जन्म ली, तुझे और तुम्हारे बच्चों को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे तुम। माँ जी,
आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? अगर लड़की भी जन्म लेगी वो भी आपकी पोती ही होगी ना, फिर क्यों इतना फर्क कर रही हैं माँ जी लड़का लड़की में आप? टूनी, तुम माँ से बहस करोगी? आज तक मैंने माँ से इस तरह से बात नहीं किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टूनी? माँ जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। इस घर में ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है, बेटा ही जन्म देना तुम। अगर बेटी हुई तेरी खैर नहीं। माँ, अब हम लोग यहाँ से चलो जंगल की सैर करने। फिर दोनों पक्षी जंगल की सैर करने निकल जाते हैं। इधर टूनी बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब मैं क्या करूंगी? अगर बेटा नहीं हुआ, बेटी जन्म ली तो माँ जी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। हे ईश्वर, मेरी माँ जी को थोड़ा रास्ता दिखाओ। बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। अगर बेटी ही जन्म ली तो क्या हुआ? क्या बेटियां बेटे जैसा काम नहीं कर सकती हैं? वो भी कर सकती हैं। अगर अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए तो बेटियां भी नौकरी कर सकती हैं और अपने माँ बाप का ध्यान भी रख सकती हैं। हे ईश्वर, मेरी माँ जी को रास्ता दिखाओ। आपके सिवा और कोई नहीं है मेरा सहारा इस दुनिया में। ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी मदद करो ईश्वर। टूनी चिड़िया अपने आप से बात कर ही रही थी, तभी उसके अंडे हिलकर अंडा फूट जाता है। फिर अंडे में से सुंदर सा प्यारा सा बच्चा निकल जाता है। माँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ मुनमुन। माँ, आप इतनी परेशान क्यों है? माँ, सब मुझे आपकी बातें सुनाई दे रहा था। बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? आप इस तरह से कुछ बातें बोल रही थी माँ, आप परेशान क्यों है माँ? मुनमुन चिड़िया अपनी माँ टूनी से बात कर रही थी, तभी टूनी चिड़िया के सास और पति आ जाते हैं। माँ जी, मोनू जी, आप दोनों को बधाई हो, हमारे घर में लक्ष्मी जन्म ली है माँ जी। फिर तू ही अकेले खुशियाँ मना, लक्ष्मी जन्म ली है तो मुझे नहीं मनाना है, समझी तुम? माँ जी, आप इतना गुस्सा करना छोड़ दीजिए माँ जी, ये ना हो आपको बाद में पछताना पड़ जाए। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अपनी बेटी के लिए जा रही हूँ फल लाने, आप इसका ध्यान रखिएगा माँ जी, ठीक है? फिर टूनी चिड़िया फल लाने उड़ते उड़ते निकल जाती है। इधर मुनमुन बोलती है, दादी जी, आप इतना माँ पर गुस्सा क्यों करती हैं? जब मैं अंडे में थी आपकी बातें मुझे सब सुनाई दे रहा था। आप माँ पर कितना ज्यादा गुस्सा कर रही थी, आप ये भी बात बोल रही थी दादी जी, अगर बेटी जन्म ली तो मैं तुझे और तुम्हारे बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी। आप चिंता मत कीजिए दादी जी, मैं भी एक लड़के जैसा काम करूंगी और आपको ढेर सारी खुशियाँ दूंगी और आपको मैं कुछ का भी कमी नहीं होने दूंगी दादी जी। आपको हर दिन में ताजे ताजे फल ला कर दिया करूंगी दादी जी, सच में दादी जी, मैं आपको ढेर सारी खुशियाँ दूंगी। अरे मेरी मुनमुन बिटिया, तुम कितने समझदार हो मेरी गुड़िया, सच में तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है मेरी गुड़िया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी, तुम्हारी जैसी पोती सबको दे समझदार, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बारे में मैंने भला बुरा बोला है बिटिया, मुझे माफ कर दो। टूनी की सास मुनमुन से बात कर रही थी, तभी टूनी फल लेकर उड़ते उड़ते आ जाती है। ये लो मेरा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है ना, खाओ ये फल। टूनी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में और मैं अपनी पोती के बारे में बहुत खराब खराब बोला है बहू, मुझे माफ कर दो बहू। सच में बहू, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसी पोती मिली और तुम्हारी जैसी बहू, मुझे माफ कर दो बहू। तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या मैंने बोल दिया है, मुझे माफ कर दो बहू। माँ जी, आज खुशियाँ मनाने का दिन है, रोने और माफी मांगने का दिन आज नहीं है माँ जी। आज हम लोग पूरा परिवार मिलकर खुशियाँ मनाएंगे, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, आज खुशियाँ मनाने का दिन है, हम लोग इसी तरह खुशियाँ हरदम मनाएंगे बेटा, और इसी तरह हम लोग दुख सुख में साथ देंगे एक दूसरे का। फिर सारे पक्षी साथ में खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं।